जब बच्चे छोटे होते हैं तब उन्हें बहुत सारे सामान की ज़रूरत पड़ती है और एक साल के अंदर वो छोटा सा बेबी काफ़ी बड़ा हो जाता है, तो फिर ऐसा बहुत सा सामान होता है जो कि उस बच्चे के यूज़ का नहीं रहता और स्टिल अच्छी कंडीशन में होता है। हे ममाज एंड डैडीज, जब इमाद इन्फेंट था, कुछ महीने का ही था, तब मेरी एक आंटी ने मुझे फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि उनकी बेटी जो अभी US सेटल हो चुकी है, उसके बेटे के कपड़े, कुछ खिलौने, क्विल्ट एंड ब्लैंकेट्स अभी भी उनके पास पड़े हैं, कहीं मुझे बुरा तो नहीं लगेगा अगर आंटी उस सामान को मेरी फ्रेंड के हाथ मेरे घर पर भेज दें इमाद के लिए। मैंने कहा बिल्कुल भेज दीजिए। और एक बार मेरे हस्बैंड के एक फ्रेंड का उनके पास फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि उनका बेटा अब बड़ा हो चुका है मगर उनके पास कुछ बहुत ही अच्छी कंडीशन में कपड़े पड़े हैं, खिलौने पड़े हैं और उस बच्चे की क्विल्ट पड़ी है। उन्होंने मेरे हस्बैंड से पूछा, वुड यू माइंड इफ़ आई पास इट ऑन टू यू, एंड माई हस्बैंड सेड प्लीज़ पास इट ऑन टू अस। जब बच्चे छोटे होते हैं तब उन्हें बहुत सारे सामान की ज़रूरत पड़ती है और एक साल के अंदर वो छोटा सा बेबी काफ़ी बड़ा हो जाता है, तो फिर ऐसा बहुत सा सामान होता है जो कि उस बच्चे के यूज़ का नहीं रहता और स्टिल अच्छी कंडीशन में होता है। उस सामान को पास ऑन करने में कोई भी बुराई नहीं है, कोई भी शर्म की बात नहीं है। दिस इज़ बेनिफिशियल फॉर एवरीवन, इट हेल्प टू कंजर्व अर्थ रिसोर्सेज, ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, बजट फ्रेंडली है। पास ऑन करने से घर क्लटर फ्री रहता है और पास ऑन करने से आप अच्छी मेमोरीज क्रिएट करते हैं। जो सामान इमाद को 3.5 साल पहले पास ऑन किया गया था, वो जैकेट उसके साइज की तब नहीं थी, दैट वॉज बिग फॉर इमाद एंड नाउ इट इज लिटिल शॉर्ट टू इमाद, बट इमाद स्टिल वियर्स इट। और अक्सर मैं उसका फोटो क्लिक कर अपनी आंटी को भेजती हूँ कि आंटी इमाद आज भी वो जैकेट पहनता है, या फिर जो क्विल्ट इमाद को पास ऑन किए गए थे वो आज तक इमानी भी यूज़ कर रही है। तो अक्सर मेरे हस्बैंड इमानी जब उस क्विल्ट पर सो रही होती है उसका फ़ोटो क्लिक करके अपने फ्रेंड को भेजते हैं कि तुमने ये इमाद को दिया था, इसको इमानी भी यूज़ कर रही है। तो इससे बहुत अच्छी मेमोरीज क्रिएट होती हैं। अभी मैं ये फीडिंग चेयर, ये पॉटी सीट और ये हेड प्रोटेक्टर अपनी एक फ्रेंड को पास ऑन कर रही हूँ, उसकी बेबी 5 मंथ ओल्ड है, और ये सॉफ्ट टॉय और ये कपड़े दूसरी फ्रेंड को पास ऑन कर रही हूँ। ये फीडिंग चेयर हमने ली थी अगस्त 2019 में, इसको इमाद ने काफ़ी अच्छे से यूज़ किया है, उसके बाद इसको इमानी ने भी काफ़ी अच्छे से यूज़ किया है। और ये फीडिंग चेयर सिर्फ फीडिंग के ही काम में नहीं आई, इससे और भी काफ़ी सारे मुझे फ़ायदे हुए हैं। जैसे अगर इमाद फ्लोर पर पज़ल्स खेलना चाहता है, फ्लोर पज़ल्स, और इमानी उसको डिस्टर्ब करती है, पज़ल्स को छूती है बार बार आके, तो मैं इमानी को इसमें बैठाकर कोई स्नैक या फिर कोई टॉय दे देती थी और वो बिज़ी हो जाती थी उसमें और इमाद फ्लोर पर पज़ल्स खेल सकता है। फिर जब बेबी बहुत छोटा होता है, नया नया बैठना क्रॉल करना सीखता है, नया नया चलना सीखता है, तो बेबी को बहुत ज़्यादा रिस्क होता है कि कहीं उसको कुछ चोट ना लग जाए, किसी चीज़ से टकरा ना जाए। अगर सिर्फ माँ और बच्चा घर पर अकेले हैं और माँ को वॉशरूम जाना पड़े, या फिर डैडी और बेबी अकेले हैं, डैडी को वॉशरूम जाना पड़े, या फिर किसी भी एडल्ट को कुछ भी ऐसा काम जहाँ पे 5 मिनट के लिए बच्चे को अकेला छोड़ना है, तो बेबी को इस पर बैठाया जा सकता है, कुछ स्नैक्स दिए जा सकते हैं या फिर टॉय दिया जा सकता है, तो बेबी सेफ रहता है, गिरने का डर नहीं रहता है। आप वॉशरूम का दरवाज़ा खोलकर बेबी को अपने नज़र के सामने बैठा सकते हैं, कुछ टॉय दे सकते हैं और बेबी पे नज़र भी रख सकते हैं और वॉशरूम भी यूज़ कर सकते हैं। ये बेबी हेड प्रोटेक्टर है। जब बेबी नया नया बैठना सीखता है या फिर क्रॉल करना सीखता है या बेबी नया नया खड़ा होना सीखता है, तो बेबी अक्सर पीछे की तरफ गिरते हैं और उनका सर बहुत बार ज़मीन में बैंग होता है, बहुत रोते हैं। तो अगर आप बेबी को ये बैग की तरह पहना देंगे पीछे
और बेबी क्रॉल करता है, बैठता है, ऐसे गिरता है, तो बेबी का सर डायरेक्टली फ्लोर पर नहीं टकराता है, ये बीच में आ जाता है, चोट नहीं लगती है। इमाद हमारा बहुत बार फ्लोर से टकराया है, तब ऐसा कुछ होता है मुझे आइडिया नहीं था। इमानी को हमने बहुत बार देखा है ये पहने हुए, गिरते हुए और बचते हुए। और ये है पॉटी सीट, इसको इमानी ने कभी यूज़ नहीं किया, इमाद ने हार्डली इसको 5 बार यूज़ किया होगा। अभी मेरे दोनों ही बच्चे इस पॉटी सीट को यूज़ नहीं करते हैं, ये स्पेयर पड़ी है, इसका कुछ यूज़ नहीं है मेरे घर पर। मेरे दोनों ही बच्चे अभी कमोड यूज़ करते हैं, तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं ये पास ऑन कर रही हूँ। ये कुछ कपड़े हैं जो कि बहुत ही अच्छी कंडीशन में हैं, इनको भी मैं पास ऑन कर रही हूँ। और ये सॉफ्ट टॉय है, इसको भी मैं पास ऑन कर रही हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपसे बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी।